रामपुर जनपद में घर में घुसकर हुई लूट का खुलासा कर पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए घटना को अंजाम देने वाले बावरिया गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। शाहबाद थाना क्षेत्र में 14 दिसंबर को कुछ बदमाशों ने कई घरों को अपना निशाना बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया था। बर्बरता दिखाते हुए एक युवक को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसके खुलासे को लेकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया। इसमें शाहबाद थाना प्रभारी निरीक्षक, एसओजी प्रभारी और कैमरी थाना निरीक्षक को घटना के खुलासे की जिम्मेदारी मिली। तीनों ही टीमों ने कप्तान के भरोसे को कायम रखते हुए घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में बावरिया गैंग के सैफ अली को गिरफ्तार किया, साथ ही उसकी निशानदेही पर लूटा हुआ माल और नकदी भी बरामद की। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला के मुताबिक 14 दिसंबर को शाहबाद थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा 2 घरों को निशाना बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके खुलासे को लेकर उनके द्वारा 3 टीमें गठित की गई। घटना के सुराग कशी के बाद एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके कई अन्य साथियों की तलाश जारी है। टीम को उनके स्तर से 25,000 रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। देखिए, एक हमारे यहाँ घटना हुई थी 14/12 को, शाहबाद में लोधीपुर गांव है, वहाँ पे ये जो बावरिया टाइप के 6 मार ग्रुप के लोग हैं, अभी भी मैं सहमत हूँ कि ये बावरिया ही हैं और इन्होंने 2 घरों में डकैती डाली और भले ही कम सामान मिला था, लेकिन हर आदमी की अपनी जान कीमती होती है, इतना मारा था उनको, बची गए। वो पढ़ा लिखा आदमी है, हमें भी बता रहा था आपसे, जान उसकी बच गई। तो हमारे DI साहब भी मौके पर आए थे, DGP सर ने संज्ञान लिया था, मैं उससे बात की थी, मैं मिलने गया था तो भी पूछ रहे थे घटना जल्दी से खोलो और सही खोलो, नहीं तो फिर दोबारा रिपीट होगी। हमारी पूरी टीम लगी रही और SOG की टीम, हमारा अमरेश और शाहबाद इंस्पेक्टर अजय मिश्रा और सबसे एक्टिव रोल इसमें अजय बाल का रहा जो कैमरी है, इन लोगों ने मिल करके बिल्कुल ओरिजिनल वर्कआउट किया इसको। और जैसा कि उसने बताया था DI साहब सामने, इन्होंने कि लड़का गोरा सा था, बहुत एक्टिव था, वो यही लड़का है और इसने पूरा घटनाक्रम बताया है और इससे रिकवरी भी हुई है और जा बजाय इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होती है उससे कन्फर्मेशन और इसका वीडियो CC फुटेज, इससे ऑथेंटिसिटी आ जाए घटना खुलने में और इसके जो सामान की रिकवरी है, इन सब चीज़ों से कुल मिला के ये है बहुत अच्छी रिकवरी हुई है और हमारी टीम ने बहुत टाइमली रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं उसको अपने स्तर से 25,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर करता हूँ और उच्च अधिकारियों से आग्रह करूँगा, लिखा पढ़ी करूँगा कि इस टीम को और इनाम दें, क्योंकि भले ही सामान कम गया था लेकिन पूरी तरह से डकैती थी और लोगों को मारा था, पूरा ये बावरिया गैंग की कार्रवाई थी, तो इससे लगाम लगेगी आगे। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है।